वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके सामने सूजी की स्पॉन्ज केक लेके प्रेजेंट हुई हूँ, जिसे नॉन स्टिक कढ़ाई में बनाई गई है। केक टिन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो चलिए देखते हैं, केक को कट करते हैं, देखते हैं ये कितनी स्पॉन्जी बनी है। ये देखिए कितनी ज़्यादा स्पॉन्जी है ये सूजी की केक। 2 कप सूजी लेंगे, मिक्सी के जार में डाल के उसे बारीक पीस लेंगे। सूजी को एक बाउल में डालेंगे, 1 कप दूध डाल करके मिक्स करेंगे। मिक्स करके 1/2 आवर्स के लिए इस मिश्रण को रेस्ट पे रखेंगे। अच्छी तरह दूध में सूजी को मिला देंगे। मिश्रण को ढक के 1/2 घंटे के लिए रेस्ट पे रखेंगे। छन्नी में 1/2 कप मैदा डालेंगे। 1 चम्मच हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। आधी चम्मच हम सोडा डालेंगे और इन सभी चीज़ों को छान लेंगे। वन थर्ड कप मिल्क लेंगे, उसमें 1 चम्मच हम विनेगर मिलाएंगे। दूध में विनेगर मिलाने के बाद ये हमारी बटर मिल्क रेडी हो गई है केक में डालने के लिए। 2 चम्मच हम टूटी फूटी लेंगे और सूखा मैदा थोड़ा सा 1 चम्मच उसमें डाल करके टूटी फूटी को मैदे से कोट कर देंगे। ये इसलिए करनी ज़रूरी है कि जब हम घोल में टूटी फूटी डालेंगे तो यदि इस तरह से हम नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल तली में जाके बैठ जाएगी, और इस तरह से करने से ये इक्वली हर जगह वो डिवाइड हो करके हर जगह फैल जाएगी। केक के चारों तरफ बराबर मात्रा में हमें टूटी फ्रूटी मिलेगी, तली में नहीं बैठेगी। कढ़ाई में हमें केक बनानी है। उस कढ़ाई में बटर पेपर उस साइज की कट कर लेंगे और चारों तरफ हम अच्छी तरह ऑयल लगाएंगे। और तली में बटर पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है, इसी की वजह से केक हमारी बहुत आसानी से निकलेगी। 1/2 घंटे हो गए हैं, ये सूजी भी हमारी दूध में मिल के फूल गई है। ये हम 1/3 कप ऑयल डालेंगे और देखिए सूजी हमारी बहुत अच्छी तरह से फूल गई है। इसमें ऑयल को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्पून की सहायता से हम मिक्स करेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हम रखे थे उसे हम मिक्स करेंगे और जो बटर मिल्क जो दूध में विनेगर डाल के बनाए थे उसे भी इसमें ऐड करके मिक्स करेंगे। बैटर थोड़ी गाढ़ी लग रही है इसलिए हम इसमें और 1/3 कप मिल्क ऐड करेंगे। 1/3 कप मिल्क और इसमें ऐड करेंगे क्योंकि बैटर थोड़ी गाढ़ी लग रही है। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। बहुत ध्यान से मिक्सिंग करनी है, लम्स ज़रा भी नहीं पड़नी चाहिए। जो टूटी फूटी मैं कोट करके रखी थी मैदे को वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह मिलाने के बाद इसमें 1/2 कप चीनी, पिसी हुई चीनी, शुगर डालेंगे हम, ये पिसी हुई शुगर है 1/2 कप, और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हमारी घोल बिल्कुल सही है, अच्छी तरह मिलाएंगे। अब इसे कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि पहले ही हम लोग मिक्सिंग कर चुके हैं, जस्ट चीनी घुल जाए इतना ही मिक्स करेंगे। नॉनस्टिक कढ़ाई पहले ही तैयार की जा चुकी थी, सारे बैटर को उसमें पोर कर देंगे अच्छी तरह से और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे हम लोग गैस पे चढ़ा देंगे बेक होने के लिए।
केक के ऊपर थोड़ी सी टूटी फूटी डाल के इसे डेकोरेट कर देंगे। पाई के लीड में जो छोटी सी छेद होती है उसे भी हम टिश्यू पेपर से कवर कर देंगे ताकि हीट जो है वो बाहर ना निकलने पाए। केक हमारी बहुत अच्छी तरह फूल रही है। 45 मिनट बाद हम नाइफ डाल के चेक करते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह ये केक हमारी फूल गई है और देखिए अब ये केक हमारी रेडी हो गई है। बहुत कम सामान से ये हमारी टेस्टी सी स्पॉन्जी सूजी केक बन के रेडी हो गई है और इसे हमने कढ़ाई में बनाया है। ये तो आप देख ही चुके हैं। तो कैसी लगी ये रेसिपी आपको? तो बस यहीं तक की थी हमारी आज की ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो और रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।